हे गाइस, दिस इज़ खुशबू जैन। लास्ट आपने टू टू थ्री लेक्चर्स देखे होंगे मेरे। ITSA की हमारी मैराथन चालू है। आज का जो वीडियो है वो मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जब हम लोग वो देखते हैं, जैसे TCP IP वगैरह कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, तो हमको याद ही नहीं आता कि कैसे उसे लिखना चाहिए। हमें उसकी फुल फॉर्म्स तो याद होते हैं, लेकिन अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम में वो हमें याद नहीं आता है। तो मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको वो कंसेप्ट भी याद रहे, और किस तरह से उसको ट्रिक करने की जो टेक्निक है वो भी आपको मैंने इसमें बताई है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आगे के आपको कौन से चैप्टर्स की मैराथन चाहिए तो मुझे आप बताएं, ताकि मैं फिर उस हिसाब से वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ ये लेक्चर को कंटिन्यू देखना, मैं एक क्लिप आगे ऐड कर रही हूँ। थैंक यू। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं TCP और IP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब अगर आप ये पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर जिसको रट्टा मारने की आदत है वो तो जो लिखा है वो एग्ज़ाम में लिख लेंगे, लेकिन जिसको समझ के लिखने की आदत है उनके लिए ये TCP और IP काफ़ी टफ होने वाला है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा आपको बताने वाली हूँ कि IP और TCP क्या होता है। अब अगर मैं बात करूँ IP की, तो IP एक तरह का नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह का हम देखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, मतलब उनकी कुछ सिक्योरिटी के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो वैसे ही इंटरनेट के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे एक नेटवर्क लेयर ऑफ प्रोटोकॉल बनाया जाता है। ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट पैकेट बिटवीन अ टू डिफरेंट एंटिटीज विच इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई बाय देयर IP एड्रेस। मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये IP एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर देता है और उस हिसाब से एक से दूसरे कंप्यूटर तक ही कनेक्ट करने के लिए कोशिश कनेक्ट करता है, मतलब, ठीक है। अब TCP यहाँ पे क्या करता है, तो TCP एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। IP क्या है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, और जो TCP है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सेगमेंट्स ऑफ डेटा अलग अलग, मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्रिएट फॉर क्रिएटिंग अ पैकेट्स और फॉर क्रिएटिंग अ सेगमेंट्स ऑफ डेटा, ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। समझ में आया, मतलब ये एक तरह का एंड टू एंड डिलीवरी का काम करता है। अब इससे भी सिंपल अगर मैं बात करूँ तो IP जो है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, वो क्लर्क की तरह काम करता है। क्लर्क का काम क्या होता है, हर चीज़ की बुक में नोट डाउन करना, मैपिंग करना, कब कैसे क्या होगा। तो इसका मतलब IP जो है वो डील करता है विद एड्रेसिंग पैकेट्स लाइक मैपिंग नेटवर्क एड्रेस। मतलब ये नेटवर्क ढूंढता है ना, IP एड्रेस सबके अलग अलग होते हैं, तो वो ढूंढता है कि जहाँ से सेंडर है, सेंडर का IP एड्रेस अलग होगा, रिसीवर का IP एड्रेस अलग होगा। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि रिसीवर का IP एड्रेस ढूंढना, ओके। अब यहाँ पे TCP की बात करते हो, TCP एक तरह का पोस्टमैन का काम करता है। पोस्टमैन का क्या काम क्या होता है कि सारे लेटर्स लेना और अपनी जहाँ जहाँ डिलीवरी एड्रेस है वहाँ वहाँ पहुँचाना। तो TCP भी यही काम करता है। ये क्या करता है, डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स टू वेरियस होस्ट ओवर इंटरनेट, बट इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन IP, क्योंकि IP का एड्रेस जब तक नहीं मिला, जब तक पोस्टमैन को आप एड्रेस नहीं बताओगे वो डिलीवरी कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए TCP को IP एड्रेस पता होना चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एंड टू एंड डिलीवरी करेगा। तो इन शॉर्ट क्या कहना चाहती हूँ, IP काम करेगा क्लर्क के जैसा और TCP काम करेगा पोस्टमैन जैसा। तो एग्ज़ाम में आपको ये याद रखना है, IP क्या है हमारे लिए, क्लर्क है। TCP हमारे लिए क्या है, पोस्टमैन है, ओके। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझा दिया है, ठीक है। अब बात करती हूँ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की। अब ये क्या होता है, ये UDP का यहाँ पे फुल फॉर्म है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अब UDP एक तरह का TCP जैसा ही होता है, मतलब ये भी एक तरह का नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ही है। इसमें क्या होता है, ये सब होता TCP जैसा है, लेकिन ये क्या करता है, ये एरर हो या सब एरर और जितनी भी एरर होगी, जितनी भी एरर चेकिंग सपोर्ट होगा वो सबको फेंक देता है। मतलब जो आया ले लो, जो आया ले लो, जो आया ले लो,
इसका काम ये होता है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ये यूज़ किया जाता है फॉर द ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, ठीक है। एग्जांपल में अगर बात करूँ तो मल्टी प्लेयर गेम्स जो होते हैं वो यूडीपी के थ्रू रन किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ICMP। ICMP मतलब क्या? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अभी यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, हम लोग कंप्यूटर जब चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं कि दिस इज़ मतलब यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये एरर है, तो आप इसको स्कैन करो वगैरह वगैरह, ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ICMP है ये यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक या फिर मैनेजमेंट पर्पस के लिए, ताकि हमको वो इंस्ट्रक्ट कर सके कि भाई अब ये करना चाहिए आपको, अब ये करना चाहिए। तो इसका जो रोल होता है बहुत छोटा होता है, UDP का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस ज़्यादा होते हैं। अब ये TCP के साथ, मतलब TCP जैसा होता है, इसमें भी क्या होती है, हमको IP की ज़रूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पे आपको IP एड्रेस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। और इसके बाद में ये जो होता है TCP क्या होता है, थोड़ा काफ़ी टफ होता है यूज़ करने में, लेकिन ये जो UDP है वो काफ़ी सिंपल होता है, सिंपल दैन TCP, ओके। क्योंकि इसी तरीके से UDP और ICP का डिफरेंस है, और यहाँ पे बाकी जो मैंने ऑलरेडी लिख के ही दिया है, तो वो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP आपने सुना ही होगा। HTTP क्या होता है, ये तो एक तरह की ये वेब पेज को बनाने की एक मेथड होती है, मतलब इसकी एक मेथड होती है जिसमें हम HTML का यूज़ किया जाता है। HTML क्या करता है, HTML यहाँ पे क्या करता है, HTML यहाँ पे लैंग्वेज होती है, वो बनाता है और फिर वो क्या करता है, वेबसाइट में कन्वर्ट करता है। तो ये सब ये जो चीज़ें होती है एक स्टैंडर्ड वे में होती है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का क्या एक फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से फिर हम लोग उसमें एसेट लाइब्रेरी डालते हैं। तो उसी तरीके से वेबसाइट को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और फिर उसको वेबसाइट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो HTTP जो होता है ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि इसका यूजेस किस में होता है, TCP और IP को मैनेज करने के लिए, वेब ट्रांसमिशन करने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल प्रोटोकॉल की। अब मेल प्रोटोकॉल यहाँ पे ईमेल क्या है, ईमेल खुद का ही एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है। इसमें एक वैरायटी होती है, जिससे आप मैसेज को सेंड, ईमेल को आप सेंड कर सकते हो, आपको मेल मिल सकते हैं, मतलब एक तरह का एक कॉमन पोर्टल होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, फॉर सेंडिंग अ SMTP। SMTP मतलब क्या, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब दो तरह के यहाँ पे प्रोटोकॉल होते हैं, एक POP3 एंड SMTP। अब जो POP3 होता है वो तो क्या होता है, रिसीविंग मेल के लिए होता है। सिंपल से अगर आप बात करूँ, POP3 रिसीविंग ये याद रखना, POP3 रिसीविंग मतलब क्या, POP3 से आपको क्या होता है, मेल रिसीव होते हैं। और SMTP जो SMTP है उससे आपको सेंड होते हैं, S मतलब सेंड, याद रखना, POP3 इज़ फॉर रिसीविंग, SMTP फॉर सेंडिंग द मेल। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग का काम यहाँ पे होता है। अभी यहाँ पे सिंपल सा दिया है, कॉन्फ़िगरिंग ईमेल क्लाइंट इंटरनेट एड्रेस फॉर SMTP सर्वर मस्ट बी एंटर्ड। अभी यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि भाई जब आप किसी को सेंड कर रहे हो कुछ चीज़, तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। बिना एड्रेस आप किसी को भी लेटर भेज सकते हो क्या, नहीं भेज सकते। तो उसी तरीके से ईमेल भी विदाउट उसका ईमेल एड्रेस आप उसे नहीं भेज सकते हो, ठीक है। POP3 क्या होता है, मैं ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ। POP3 क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर द PC फॉर रिसीविंग द मेल, इज़ अ पोस्ट ऑफिस पोर्टल, नाउ version 3 कॉल्ड एज अ POP3। ईमेल क्लाइंट रिक्वायर्ड POP3 बिफोर दे कैन रीड द मेल। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, SMTP एंड POP3 सर्वर्स मे और मे नॉट बी द सेम एड्रेस। बोथ SMTP एंड POP3 यूज TCP फॉर मैनेजिंग ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल अक्रॉस द इंटरनेट। मैंने आपको पहले ही कहा था, STP और POP3 दोनों ही यहाँ पे ये TCP का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था एंड टू एंड डिलीवरी का काम कौन करता है, TCP करता है। तो यहाँ पे सेंड हो रहा है तो उसको सामने वाले को रिसीव भी तो होना चाहिए, भेजने के बाद उसको रिसीव होना, ये काम तक कौन
इस काम का अंजाम कौन देगा, तो टीसीपी देगा। तो सिंपल सा है कि जब भी आप एसटीपी एसएमटीपी करो या पॉप थ्री करो, टीसीपी का वहाँ पे काम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो काम क्या करता है, पोस्टमैन जैसा यहाँ पे वो काम करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। अब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जब भी बात की, तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र की जाती है एक पीसी से दूसरे पीसी में थ्रू यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक इट प्रोवाइड्स फॉर अ सिंपल फाइल मैनेजमेंट ऑन द कंटेंट ऑफ रिमोट कंप्यूटर, ओल्ड प्रोटोकॉल एंड यूज लेसर देन। यहाँ पे क्या बोला है, ये सबसे एक तो पुराना प्रोटोकॉल है और इसका जो यूज़ है वो भी कम है। इसका प्राइमरी यूज़ क्या होता है, अपलोड करो फाइल टू कहाँ पे, वेबसाइट पे, ठीक है। इसका काम ही क्या होता है कि फाइल अपलोड करो कहाँ पे, वेबसाइट पे। अब एफटीपी सर्वर जो होता है ये सारी ट्रैफिक को हैंडल करता है, मतलब जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसकी जो ट्रैफिक है उसको कौन हैंडल करेगा, तो एफटीपी हैंडल करता है, ठीक है। तो इफ़ एफटीपी इन्वॉल्व देन यूआरएल क्या आ जाएगा, एफटीपी एट द फ्रंट, ये लिखा हुआ आएगा। मतलब कुछ भी अगर आप जहाँ पे एफटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यूआरएल के आगे क्या लिखा आएगा, जैसे एचटीटीपी फिर डबल स्लैशेस होते हैं, तो वहाँ पे एफटीपी डॉट एस अगर आ गया, तो समझ लेना ये क्या हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ तक क्लियर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर 7 को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आगे के कौन से चैप्टर मुझसे चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।